पबजी मोबाइल इंडिया जल्द करेगा भारत में एंट्री, भारतीय कंपनी को मिली सरकार से मंजूरी। नमस्कार दोस्तों, पबजी की भारत में वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। पबजी मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग की घोषणा के बाद से लगातार इससे जुड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। अब नया अपडेट यह सामने आया है कि पबजी इंडिया कंपनी के रजिस्ट्रेशन को केंद्र सरकार से अप्रूवल मिल गया है। पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब भारत में रजिस्टर्ड कंपनी बन गई है। इससे साफ है कि पबजी मोबाइल इंडिया जल्द लॉन्च हो सकता है। बता दें कि 20 नवंबर 2020 को कर्नाटक में बनी पबजी इंडिया पबजी कारपोरेशन की भारतीय सब्सिडियर है। पबजी कारपोरेशन ने पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की मंजूरी मिल गई है। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर लिस्टिंग में पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी के तौर पर दिख रहा है। इसके साथ वैलिड कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर दिखाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पबजी इंडिया को एक कंपनी के तौर पर 20 नवंबर 2020 को बेंगलोर में रजिस्टर किया गया है। बता दें कि कंपनी ने बताया है कि पबजी मोबाइल इंडिया में भारतीय खिलाड़ियों के डेटा की सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वह स्टोरेज सिस्टम का नियमित तौर पर ऑडिट और वेरिफिकेशन करेगी, जिससे भारतीय यूजर्स जानकारी को खुद वेरीफाई करेंगे और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। गेम के कंटेंट को लोकल जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाएगा, जो खास तौर पर भारतीय गेमर्स के लिए कस्टमाइज्ड रहेगा। गेम अब वर्चुअल ट्रेनिंग ग्राउंड में आधारित होगी। नए किरदार बनाए जाएंगे और गेम को वर्चुअल दिखाने के लिए ग्रीन हिट इफेक्ट होगा। इसमें एक ऐसा भी फीचर शामिल होगा जिससे गेम की अवधि पर प्रतिबंध लगा सके, जिससे युवा खिलाड़ियों के लिए बेहतर गेम की आदतों का प्रचार किया जाए। पबजी कारपोरेशन, जिसका स्वामित्व दक्षिण कोरियाई वीडियो गेम कंपनी क्रैफ्टन इंक के पास है, उसने 12 नवंबर को भारत में अपनी वापसी को लेकर योजना का ऐलान किया था। एक भारतीय सब्सिडियर को स्थापित करना उसकी योजनाओं में शामिल था। पबजी कारपोरेशन ने एक बयान में कहा कि इससे खिलाड़ियों के साथ संवाद और सेवाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन योजनाओं के विस्तार के तौर पर पबजी कारपोरेशन का एक भारतीय दफ्तर होगा और कंपनी बिजनेस, एक्सपोर्ट्स और गेम डेवलपमेंट में निपुण 100 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।